क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। राजोटा बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल दुकान से चोर 2 लाख कीमत का सामान ले गए। दुकान मालिक राजकुमार बुड़ाना का आरोप है कि पुलिस अभी तक चोर को नहीं पकड़ पाई है। इधर हम आपको बता दें कि इंगोरिया थाने में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना ही चोरी की कोई न कोई वारदात हो रही है। थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे का कहना है कि चोरी का जल्दी ही पता लगा लिया जाएगा। वहाँ पे आज से लगभग 15 दिन पहले चोरी हुई थी, उस वारदात में कोई भी अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। उधर कोई गाड़ी भी जब्त नहीं करती है आए दिन, बहुत सारी समस्याएं। मेरा सर 2 लाख का सामान था। हाँ, FIR तो करवाई है। हाँ, उसके बाद सर बोल रहे हैं, बोले घंटे में सर आ रहे हैं। उसके बाद इसलिए मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ सर से मिलने के लिए। मैंने मेरी खुद की MLID थी, उसमें MI का मोबाइल है, उसमें मैंने ML मेरे खुद की ML से मैंने उसको ट्रैक किया है, जो कि अभी खड़सूत में लोकेशन बता रहा है। ये राजोदा के चौराहे पे जो मोबाइल की दुकानों में गुमटी में चोरी हुई थी, उसमें हमें क्लू मिल गए हैं और मोबाइल की लोकेशन और अन्य टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होकर 1-2 दिन में उसका पता लगा लिया जाएगा कि किसने चुराए थे मोबाइल।